तो दोस्तों पिछले व्लॉग में मेरी टोपी उड़ी थी, आज इनकी टोपी उड़ चुकी है, तो टोपियां ही उड़ती जा रही है। कैसा लग रहा है टोपी उड़ के? चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आपका दोस्त नासिक को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा है, तो आज हम लोग हैं तपोवन में, नासिक की पवित्र जगह। तो ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये गोदावरी नदी, गोदावरी जो कि बहुत ही पवित्र है, और यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं, देखते रहो। तो आपको दिखाते हैं एक चीज जो कि बहुत ही यूनिक है। तो उस पेड़ में ऐसी आकृति बनी हुई है जो कि आपको हैरान कर देगी, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत ही डिफरेंट चीजें, यानी कि इम्पॉसिबल चीज बनी हुई है। तो आपको दिखाते हैं वन एंड ओनली, आप गेस कर सकते हो कॉमेंट में कि ये क्या है, और वॉज अमेजिंग। What's up bro? देख रहे हो, देख सकते हैं कि अनबिलीवेबल। अब ये लोगों ने बनाया है या फिर अपने आप बना है ये पता नहीं, बट अगर बनाया भी होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है इन्हें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं आगे की सफर की ओर। फाइनली हम लोग तपोवन आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे होती है पार्टी, और सामने ही है हमारे पार्क, और हम लोग अगर यहाँ से जाएंगे, यहाँ दिखाओ, तो यहाँ दिखेगा मंदिर, और नीचे साइड है मतलब पानी, और वहीं पे ही है भगवान जी। तो मिलते हैं, आ जाओ। कट इट। तो दोस्तों हमारे साथ हमारा जो अकाउंट हैंडल करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक एवरीथिंग, वो ये है मिस्टर बख्तियार बैग। तो ब्रो, और एक और ज़रूरी बात, आज हम लोग तपोवन आए हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे ये हैं मुस्लिम। तो मैं खुद हैरान हूँ कि क्या बात है। तो ब्रो, हाउ यू फीलिंग कि आप तपोवन आए हो, कुछ राय देना चाहोगे इस पर? इनसे ही सुनते हैं। ब्रो राय की कुछ बात नहीं है, ओके, लेकिन बात ऐसी है कि काम तो करना है, ओके, और सेकंड थिंग सब धर्म एक ही है, राइट, तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं है। सही बात है, सारे भगवान एक ही हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका मालिक एक है, एक ही भगवान। दोस्ती की तो धर्म पूछ के कभी दोस्ती नहीं की। सही बात है, दोस्ती में नो धर्म ओनली धर्म पाजी। मैं निकला। और okay. एक ही लाइन है कि आप अपना धर्म फॉलो करो, हम अपना करेंगे, मिलजुल के रहेंगे जरूर। चलो गाइस चलते हैं आगे की ओर, मिलते हैं आपसे। छह वो भी ब्लॉग निकाल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भी ब्लॉग का कीड़ा है। तो देख सकते हैं हमारे साथ हमारे फिल्म मेकर साहब आज कैमरामैन बन चुके हैं। तो बख्तियार सर आप आज कैमरामैन। तो गाइस ये है पहली एंट्री, और पहली एंट्री में ही भगवान राम जी हैं। एंटर हो रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो ये सब शॉप्स, और अलग अलग आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे आके। और हमारे सामने गणेश भगवान जी। तो गाइज अब यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है, आपको दिखाते हैं। तो ये जो पहली पेंटिंग है वो तो आपने देखा होगा कि क्या दर्शाता है, आपको सारी पेंटिंग्स दिखाते हैं।
तो ये है बेर खाते हुए भगवान जी, और फिर यहाँ पे राक्षस का वध करते हुए, और वो है कि हिरण को पकड़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है यहाँ पे, और ये सब शॉप्स। और ये जो मंदिर है गाइस, वो है लक्ष्मण जी का मंदिर है, लक्ष्मण भगवान का। तो आपको अंदर भी ले चलते हैं, दिखाते हैं फिर। तो गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो आपको दिखाते हैं। ये है किसका मंदिर है, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, लक्ष्मण भगवान का। तो दोस्तों ये आकृति देखने के बाद आप लोगों को कौन सा किस्सा याद आता है कि किसकी वजह से इन्होंने नाक काटी, तो कमेंट करें और बताएं। और इसी की वजह से इस शहर का नाम नासिक पड़ा, कैन यू बिलीव इट। तो बताओ, कमेंट करो, और ठीक है। तो दोस्तों ये है लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत, फोन में लग गया। गाइस आप लोगों ने देखा कि ये है लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर। तो अब हमको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट जगह पे, तो मिलते हैं अगली जगह पे। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं सर्व धर्म मंदिर में, जहाँ पे आपको सारे भगवान के दर्शन होंगे। तो ये मंदिर ये है जहाँ पे सारे भगवान के दर्शन होंगे आपको, तो दिखाते हैं अंदर चल के। सर्वशक्तिमान बजरंगबली, नहीं है हमने ले रहा था, बोलते रहे, बस देखते रहने का मन करता है दोस्तों, देखते रहे बस। ये है अशोक वाटिका, जहाँ पे सीता माता जी, हनुमान जी, एक अलग ही सुकून सा है यहाँ पे। क्यों दोस्तों, सुकून मिलता है ना। इनका भी ब्लॉग चालू है, अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सारे भगवान मिल जाएंगे। तो ये है महावीर स्वामी, भगवान बुद्धा, और फिर ये है कौन से भगवान है, ये जगन्नाथ भगवान जी हैं, ये जगन्नाथ भगवान जी। उसके बाद ये हैं दत्तात्रेय और भगवान शंकर जी हैं। यहाँ पे आपको सारे भगवान मिलेंगे, श्री हंस जी महाराज, श्री राज जी, श्री राम दरबार, जय प्रभु। बहुत ही खूबसूरत श्री गणेश भगवान जी, माता जी, कृष्ण भगवान जी, लक्ष्मी नारायण, संत गणेश्वर, विठ्ठल रुक्मिणी। तो गाइस आपको यहाँ पे सारे भगवान मिल जाएंगे, एक अलग ही सुकून, अलग ही शांति, दिल को सुकून मिलता है ऐसी जगह आके। तो आप लोग भी आइए, देखिए, दर्शन कीजिए और मन को शांत कीजिए। दोस्तों अब हम लोग जाने वाले हैं नीचे की ओर, वहाँ नीचे जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं, और वो देख सकते हैं आप, राम माता जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, फोटो बनी हुई है। वाओ, तो चलते हैं वहाँ पे नीचे। तो दोस्तों ये वो जगह है, मेन जगह, बहुत ही खूबसूरत। वाओ दोस्तों, जितनी बार आओ उतनी बार कम है यहाँ पे। हम तो ऐसी भूमि में रहते हैं जहाँ पे भगवानों का आवास है, और एक अलग ही सुकून शांति मिलती है यहाँ पे आके। और
तरह तरह के शंख आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और धूप ज़्यादा आ रही है इसकी वजह से थोड़ा सा वो नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की कि हम क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं सीता माता की तरफ, जहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने अग्नि स्नान किया था, अपने आप को समर्पित कर लिया था। और ये गाइस वो पुल है, जब बारिश होती तो ये पूरा टूट गया था, उसकी वजह से काफ़ी जब पानी बारिश होती तो पूरा यहाँ से भर जाता है ना बख्तियार, ऊपर से आता है पानी यार। जो मनीष है दूसरा ब्लॉगर है वो आप देख सकते हैं, वो ब्लॉगिंग कर रहा है वहाँ पे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं जहाँ पे सारे पाप पुण्य आके खत्म हो जाते हैं। इतने अच्छे अच्छी जगह का पानी इतना खराब हो रखा है, लोग केयर नहीं करते हैं, अगर केयर करें तो ये बहुत ही सुंदर लगे और अच्छा लगे। प्लीज़ केयर करना सीखिए दोस्तों, कचरा मत फैलाइए और ख्याल रखिए, फिट रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों आपने देख लिया है सब कुछ चीज़ें, ये है प्यारा तपोवन, हम सबका तपोवन, और यही है, आओ घूमो मज़े करो और मज़े करो। तो दोस्तों पिछले व्लॉग में मेरी टोपी उड़ी थी, आज इनकी टोपी उड़ती है, तो टोपियां ही उड़ती जा रही है। कैसा लग रहा है टोपी उड़ के? चलो थक चुके हैं तो थोड़ा कुछ खा लिया जाए। चटनी डाल दो, हाँ अच्छे से डालना चटनी, मिर्ची भी डाल देना। तो घूमते घूमते भूख लगाती है तो खा लेना चाहिए। समोसा ही खाओ तुम, बड़ा पेटीज समोसा गरम है। ये हमारा समोसा है, ये हमारा है, ये इनका है, ये इनका है, तो खाते हैं एंजॉय करते हैं, आप लोग भी खाइए एंजॉय कीजिए। गाइस वीडियो को जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, भूलना मत, और ऐसे ही प्यार देते रहना और प्यार लेते रहना। ना, और हमारे मीडिया एजेंसी बीता क्रू को फॉलो करना, उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आपको जो भी काम चाहिए रिक्वायरमेंट चाहिए सब होगा। और इनका चैनल भी है मनीष कुमार, इनका भी डाल देंगे, सपोर्ट करते रहो। ओके okay.